Let's get started now with our top political story first. Sartaj, who grabbed headlines as the son of Muhammad Akhlaq. Muhammad Akhlaq murdered in Dadri in Uttar Pradesh over beef rumors. His son, with the Indian Air Force, once famously told me, even after his father was murdered, Sare jahan se acha Hindustan hamara. But that was still a court actually ordered an FIR to be registered against his family on the allegation that the meat in his house was not mutton but beef, as if it even mattered what that meat was. Well, today Mohammed Sartaj has, along with his lawyers, on behalf of his family, challenged the court that actually asked for an FIR to be filed after a forensic lab in Mathura declared the meat to be beef. As we've been asking, why is it even relevant what meat it was? The Sartaj family has long maintained that that meat was mutton, and there is a concerted effort to malign his family. The family, of course, had to move out from Uttar Pradesh and now live in Delhi. The irony being underlined here is that nobody can question their patriotism, their nationalism. Sartaj is with the Indian Air Force. On the program tonight, we ask whether after the murder of Muhammad Akhlaq, we're also looking at the murder of justice. Joining us on the program now is Muhammad Sartaj, Corporal Muhammad Sartaj himself, the son of Muhammad Akhlaq, also with the Indian Air Force himself. Asad Hayat, his lawyer, and the lawyer representing the Akhlaq family is also with us. Shaina NC, spokesperson of the BJP, is with us. Madhukar Jetli with the Samajwadi Party is with us. And Tavleen Singh, senior author and commentator, is with us. Sartaj saab, aapse shuru karungi. Mujhe yaad hai ki is pure hadse ke baad, आप जब मेरे प्रोग्राम पर आए तो आपने मुझे दो चीजें कही. आपने कहा, मैं हाथ जोड़कर नेताओं से कहता हूं, हमारे नाम पे राजनीति मत करें, चाहे वो बीजेपी की नेता हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी की नेता हो, चाहे वो किसी और पार्टी की नेता हो. और आपने अंत में कहा और दिल छूने वाली बात कही, आपने कहा जो हो गया वो हो गया, लेकिन अभी भी मैं मानता हूं सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा. उसके बाद जो आपके परिवार के साथ गुजरी है, जैसे कि आप विक्टिम ना हो, आप क्रिमिनल हो, जैसे कोर्ट ने कहा कि भाई आपके खिलाफ एक एफआईआर लॉज हो, नेताओं ने कहा अब इनके खिलाफ केस करो, इनको जो मुआवजा दिया गया था इनसे वापस लो, क्या आपका दिल थोड़ा सा टूट गया है? क्या आपकी जो एक कॉन्फिडेंस थी वो थोड़ी थोड़ी टूटी है? जी मैम, ये बहुत दुख वाली बात है, क्योंकि जो चीज हमारे घर से मिली ही नहीं, जो चीज सड़क पर से बरामद की गई, उस चीज़ की दादरी में जांच हुई और फिर फॉरेंसिक रिपोर्ट को भेजी गई, फॉरेंसिक लैब को भेजी गई, वो दोनों की कंट्राडिक्टरी रिपोर्ट भी आई जी. तो जिस गोश्त का हमारे घर से कोई मतलब नहीं था, उसकी जांच भी हुई और फिर उस जांच में जो बहुत सारे जो है फैक्ट्स हैं जो उसको विश्वसनीयता, उसकी फॉरेंसिक लैब की जो रिपोर्ट आई है उसकी विश्वसनीयता को शक के घेरे में खड़े करते हैं जी. जी लेकिन तो मैम इसकी जो ये है फॉरेंसिक रिपोर्ट की जो बात है, उसको उस चीज को लेकर, उसकी जो रिपोर्ट आई है उसको लेकर हमारे घर पर, हमारे मतलब फैमिली के ऊपर एलिगेशन लगाए जा रहे हैं कि काउशल ऑथर किया था, जो कि हमारे घर से मिला ही नहीं था. और दूसरी बात यह है मैम कि इसकी वजह से, कि ये तो खैर कोर्ट का ऑर्डर था, इसका मैं सम्मान भी करता हूँ कि कोर्ट का ऑर्डर था, लेकिन एफआईआर होने के बाद जो जिस तरीके का सोशल इनजस्टिस हुआ है फैमिली में, मतलब हमारी फैमिली के साथ, कि जो लोग पहले हमदर्दी के साथ देखते थे अब वो इस निगाह से देखते हैं, इस शक के साथ देखते हैं कि इन्होंने जो है काउ स्लॉथर किया है, क्योंकि कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया है तो ज़रूर इन्होंने कोई क्राइम किया होगा. तो मैंने पुलिस से भी रिक्वेस्ट की और मुख्यमंत्री जी से भी दरख्वास्त है कि वो इस मामले की पूरी फेयर इन्वेस्टिगेशन करें और सच को सामने लेकर आएँ, क्योंकि ऐसा कोई मुद्दा कहीं भी नहीं है. सरताज, आपको एक तरह से बहुत गुस्सा आता होगा या बुरा लगता होगा, एक आपके वालिद की हत्या की जाती है, मर्डर होता है, दूसरी तरफ आप कहते हैं झूठे आरोप लगाए जाते हैं कि क्या मीट था आपके घर से जो मिला, लेकिन तीसरी बात है आप इंडियन एयरफोर्स के साथ हैं, एयरफोर्स ने आपको पूरा समर्थन दिया है. आज हम कारगिल दिवस के दिन बात कर रहे हैं, आपको तो शायद ये लगा होगा भाई मैं तो फौजी हूँ, मैं तो एयरफोर्स का आदमी हूँ, मैं तो सिक्योर हूँ, मतलब आपको एक एक्सपेक्टेशन होगी कि भाई मैं सिक्योर रहूँगा, मेरी फैमिली सिक्योर रहेगी, कम से कम हमारे साथ तो इस तरह का भेदभाव, हमारे साथ तो इस तरह की सोशल इनजस्टिस नहीं की जाएगी. तो आज आज उस नज़रिए से कैसा लगता है? जी बिल्कुल मैम, बहुत ज़्यादा दुख होता है, क्योंकि मैं एयरफोर्स में हूँ और मैं देश की सेवा कर रहा था, मैं चेन्नई में था और मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी क्योंकि मेरी फैमिली के साथ ऐसा होगा.
क्योंकि लोगों की नज़र में एक फौजी की, एक जो है डिफेंस पर्सनल की एक रेस्पेक्ट होती है। उसकी फैमिली के बारे में सोचा जाना बहुत ज़्यादा, मतलब कि उसकी फैमिली के साथ ऐसा हो जाएगा तो ये बहुत ज़्यादा दर्दनाक घटना है। क्योंकि मुझे, मेरे होश उड़ गए थे कि मेरी फैमिली के साथ ऐसा हो गया, फिर भी मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। फिर भी आपने उस समय भी एक कॉन्फिडेंस रखा, आपने कहा मेरा देश सबसे बेहतर देश है दुनिया का, सारे जहां से अच्छा, आपको याद है आपने मुझे बोला था। जी 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 बिल्कुल मैम, आज लगता है न्याय मिलेगा, मैम आज लगता है इंसाफ मिलेगा। बिल्कुल, मुझे बिल्कुल मिलेगा, मुझे जुडिशरी में अपने में पूरा भरोसा है। और इसमें इंडिया में बहुत सारे लोग, बहुत अच्छे लोगों की कमी नहीं है, बहुत ज़्यादा लोग अच्छे हैं। कुछ लोग ही हैं जो ख़राब हैं, जो ज़्यादा शोर मचाते हैं, इससे लगता है कि वो ज़्यादा मात्रा में, लेकिन ऐसा नहीं है। इस घटना के बाद मुझे पता लगा कि अच्छे लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा है और मेरे साथ उन्होंने सपोर्ट भी किया। और मुझे उम्मीद है कि जस्टिस मेरे साथ होगा, मुझे इंसाफ मिलेगा और कोर्ट से मिलेगा और हर तरीके से मिलेगा। तो एक तरह से आपने अपनी ऑप्टिमिज्म, आपने अपना बिलीफ कायम रखा है। मैं आपके वकील से पूछना चाहूंगी, असद साहब, किस मुद्दे पे आपने ये कोर्ट का एफआईआर चैलेंज किया है? मैं तो कहती हूँ बीफ हो या मटन हो मुझे फर्क ही नहीं पड़ता, एक आदमी की हत्या हुई है, लेकिन आप कह रहे हैं एक तरह से एक ये कंस्पिरेसी है। असद हयात साहब, मैं शुरू से ही मानता रहा हूँ कि ये क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी थी, क्योंकि जिस तरह से मंदिर से अनाउंसमेंट हुआ कि एक गाय काट दी गई है और आप सब लोग इकट्ठा हो जाइए, और फिर लोग इकट्ठा हुए और एक फ़ोन भी पुलिस को किया गया 100 नंबर पर कि यहाँ पर एक गाय काट दी गई है, आप आइए, और पुलिस भी वहाँ पहुँची जब मर्डर हो चुका था। उसके भी करीब 3-4 घंटे के बाद ये एक ट्रांसफार्मर तिराया है, वहाँ से ये सब सामान रिकवर कराया गया पुलिस को। मीट तो जिस तरह से मंदिर से अनाउंसमेंट एक कॉन्स्पिरेसी थी, आप कह रहे हैं जो मीट रिकवर किया है वो घर के बाहर से फोरेंसिक्स को भेजा गया है, घर के हाँ, अंदर घर से भेजा घर के बाहर से ट्रांसफार्मर तिराहे से रिकवर हुआ, और ये हमारा, हमसे कोई मतलब ही नहीं था। ये भी उन्हीं लोगों ने लाकर वहां रखा जिन्होंने कि ये अफवाहें फैलाई और मंदिर से अनाउंसमेंट कराया। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात इसकी ये है, जो कॉन्स्पिरेसी की मैं बात कह रहा हूँ, कि जब कोई पुलिस किसी चीज़ को रिकवर करती है किसी मौके वारदात से, तो वहां पर उसकी एक रिकवरी फर्द बनाई जाती है और उसको बाकायदा सील बंद किया जाता है, सील मोहर किया जाता है। तो यहाँ जो भी ये चीज सामान बरामद हुई उसमें लिखा है रिकवरी फर्द में कि 2 किलो कच्चा गोश्त वहां पे बरामद हुआ, गोश्त के टुकड़े बरामद हुए 2 किलो, करीब 2 किलो। लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने ये भी लिखा कि 4 पैर घुटनों से नीचे तक के और खाल वगैरह बरामद हुई। तो जब अगले दिन सुबह इसको दादरी लैब को भेजा गया, तो दादरी लैब पहुंचते पहुंचते ये 4 से 5 किलो हो गया। तो सवाल इस बात का है कि जब आपने नंबर वन पहले वहां से रिकवरी जब मीमो तैयार किया तो इसको सील मोहर नहीं किया, रात भर ये कहाँ रहा माल, किसकी सुपुर्दगी में माल रहा, कहीं आपने सील बंद तो किया नहीं और आपने ऐसे ही दादरी लैब को भेज दिया उसको बिना सील किए हुए, तो कोई कवरिंग लेटर भी नहीं लगाया थाने से। So there are questions about policing here which I will just put to Madhukar Jetley, but before I get the politicians in, I want to get Tavleen, because Tavleen, you have been an absolutely forthright voice on what has happened in Dadri. And you know, this young man Sartaj, a corporal with the Indian Air Force, as he said, he expected that as a defense personnel he and his family would get respect. Today he's having to battle what he calls social injustice. He's having to go to court not as the victim but to defend himself as a perpetrator, defend his whole family, yet there is not an inch of hatred, not an iota of hatred or hyperbolic allegation in what he says, Tavleen. Should this not shame us all what this family is being put through? I think it's shameful. To tell you the truth, as an Indian, I'm ashamed of what is happening. And we should all be ashamed. Because it's just the most scandalous nonsense, okay? One, who is this person who filed the FIR? Or has the court taken suo moto notice of this? And who really cares, you know, what happens now? It's shocking that we should even be discussing whether it's beef or mutton or whatever. These are not things we ever talked about before. Yes. What we should be discussing is murder. Yes. By a mob of cow protectors who should all be locked up, in my view. You know, I mean, it's such an ugly atmosphere, and unless we actually speak out clearly in the clearest terms against these gundas, you know, believe me, there is no hope that we can stop this ugliness from spreading.
and the BJP should take personal responsibility for having started this. It's their chief ministers who started whipping up the frenzy. China NC, please come in on that. The Prime Minister till this date has not said anything on Dadri. Till this date has not picked up the phone and called Sartaj. You listen to him, he's still not cynical. He's still not angry. He's still a believer in the judicial process of this country, even though a court has actually ordered a case to be registered against him. We have forgotten a man was murdered. We are focusing on what the meat was. Is this not shameful, China? And let me, before you answer, read to you what Yogi Adityanath, Member of Parliament from Uttar Pradesh, said. After this case was registered, he said the compensation that was given to Akhlaq's family should be withdrawn, and the innocent Hindus who've been arrested, in other words, the men who've been arrested for the murder of Muhammad Akhlaq, should be released. This is a member of parliament from your party, China. Balka, first and foremost, I think the only issue is that the life of Muhammad Akhlaq is not something that is going to be lost in vain. We have made it amply clear that this has been a law and order situation. People have chosen to give it various kind of colors and to suggest whether there was beef consumed or mutton is only one aspect of this debate. The fact is that in Uttar Pradesh you can even consume beef, but you cannot slaughter a cow. That is it. Now, where is the Samajwadi Party in all of this? And I like the way the entire focus is on the BJP and BJP's agenda. Our Prime Minister has had the courage of conviction to say that any errant miscreant, irrespective of but what China, fringe group China, let me read out another quote to you. Before I go to the SP, and, you're right, the Samajwadi me, Party has a lot to answer my for. Point. But China, let me finish China my Union point, Minister Sanjeev Balyan. The Samajwadi Party has a lot of answering to do, which is only question. I agree they have a lot of answering to do. To but BJP, so do you. I agree you have a lot of answering to do, but so do you. That in a state where you have no law and order, you have no police prevalent. Tell me that if this incident did take place in broad daylight and it was escalating, where was the police? Where was the police? Nobody. So let me take that to Madhukar Jaitley and I'll come back to what How other BJP leaders have said. Happen? Madhukar Jaitley, there are two things. 1 minute, Madhukar Jaitley. There are two things that your government is responsible for. The decision to test the meat. Why was it relevant? Why was it relevant? Two, the shoddy policing. You heard Sartaj's lawyer that the meat that and a contradiction in your own state and the contradiction that the first time the meat was tested at the veterinary college there was a different result, the second time the meat was tested at the Mathura lab there is a different result, there are many contradictions. The police appears to have picked up meat from outside the house near a transformer. That responsibility then is on the UP police, and the political responsibility to even test the meat is your government's. No, Barkha, the fact that these people have lodged, gone ahead and challenged that report, yes. I feel that the right to the right to seek the remedies in law to see that they get the ends of justice should be given to them, and those who are responsible for this should be definitely punished. I'm coming to that. Why is meat being picked up from outside the house near a transformer and being sent to forensics? How do we even know it's the meat that was in Muhammad Akhlaq's fridge? That if there is anything short of justice, let the matter be further investigated. Why we did want you decide this controversy to end. Why was it necessary to test the meat? It was necessary. No, Barkha. The fact is that the testing of the meat was necessary to ascertain the fact whether the allegations leveled were correct or wrong. How does it matter? And the prosecution has lodged a case of murder. The prosecution has lodged a case of murder. The prosecution has not lodged a case of any meat or beef. Okay, China, before I go to Tamil and go back to Sartaj and his lawyer. And Barkha, let me finish. Barkha, yes. I'll take half a minute. Barkha, the Prime Minister, who otherwise speaks and tweets on every issue, has been silent not only on this, he's been silent on Gujarat, he's been silent on Kashmir, he's been silent on everything. The Prime Minister's role is completely, what he did in Kairana is not hidden from the people of this country. And the way they raise and this issue, maybe the Samajwadi Party Allahabad, would want to Allahabad answer BJP, the mass exodus of communities
They, you know, the Samajwadi Party that is absolutely wrong. I challenge your statement. The Chief Minister of BJP was there. Okay, guys, guys, I want to come in here. Let's not deviate from the topic. Let's not deviate from the topic. Ma'am, China, I'm going to Tavleen now. China, because here's my point. Can I just get a word in here, please? It happened during BJP. Mr. Jaitley, now you have to just hold your thought for a second. Tavleen, the fact of the matter is that Samajwadi Party and the BJP in different ways are both responsible. The UP government takes responsible because this was their government, this happened on their watch. The police work has been shoddy. The decision to test the meat was theirs. The BJP is responsible because their underbelly is emerging, and it is an ugly underbelly here. When you listen to the Yogi Adityanath, when you listen to the Sangeet Som, who's also an MLA, and here's what he says. He says, why are cow slaughterers' families being compensated? I mean, what is this nonsense, Tavleen? Yeah. You know, two things. One, the Samajwadi Party is as interested in whipping up communal hatred as any political party who depends on the Muslim vote. It's an old, old idea in India. Where the Prime Minister is personally at fault is in his lack of leadership. If he could comment on what happened in Nice and in Orlando and, you know, tweet about every atrocity from the jihadis all over the world, then he has to lead in India. He has to show that he has to show us what he feels when these things happen. And people like Yogi Adityanath should be publicly ostracized. You know, I mean, it's bad luck that the people of Gorakhpur keep electing him. But what he says is just venomous. And if the Prime Minister does not show leadership, I promise you what we're heading towards is a very serious communal divide that we might never be able to be healed. I agree with you. Let me take this back to Sartaj for a moment before I go back to the politicians. Sartaj, aapne kaha aapko abhi bhi insaaf ki puri umeed hai. Aap jis tarah se aapke case ko lekar rajneeti kheli ja rahi hai. और ये हो सकता है उत्तर प्रदेश के चुनाव में ये मुद्दा भी बनाया जाए, आप क्या कहेंगे? सारे नेताओं को आप क्या कहना चाहेंगे? जी, मैं अगेन फिर उनसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि इस मुद्दे को पॉलिटिकल मुद्दा ना सोचकर, किसी एक परिवार के खिलाफ हुए अन्याय को देखकर उसके साथ खड़े होने की कोशिश की जाए. उस परिवार के, जिस परिवार ने एक अपने बाप को खोया है, भाई को खोया है, जिस परिवार ने शोहर को खोया है, और फिर उसके जो है मेरे भाई को जो है चोट पहुँचाई है, घर से बेघर कर दिया गया, और फिर उसकी बंजारों जैसी जिंदगी हो गई है जीने के लिए, तो उसके साथ खड़े होकर कम से कम इंसाफ दिलाने की कोशिश करें. आपने कहा जो लोग हमदर्दी दिखा रहे थे, अब वो भी हमदर्दी नहीं दिखाते गांव वाले. जी, वो बिल्कुल बात मैम ठीक है, क्योंकि एफआईआर होने के बाद उन्होंने ये सोच लिया है कि कोर्ट ने कुछ ना कुछ देखा होगा जिसकी वजह से इनको मुजरिम माना है और एफआईआर के ऑर्डर किए हैं, जिसकी वजह से सोशल में मतलब कि नेबर्स वगैरह है या और जो मिलने वाले हैं सभी ने ये सोचा है कि जरूर इन्होंने काउंसिल ऑथर किया है, जब इनके खिलाफ एफआईआर हुई है कोर्ट ने ये माना है. तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है एफआईआर होना, क्योंकि ये इन्वेस्टिगेशन का फर्स्ट पार्ट है. तो ये मैं उसका स्वागत भी करता हूँ कोर्ट का कि उन्होंने जो है इस तरीके का ऑर्डर दिया, बट साथ साथ ये अपेक्षा मैं पुलिस से भी करता हूँ और सरकार से भी करता हूँ कि इस मामले की वो निष्पक्ष जांच कराए और मुद्दा जो है दूध कर दूध और पानी का पानी करे. सरताज, बिफोर आई टेक फाइनल कमेंट्स फ्रॉम एवरीबॉडी एल्स, मैं जब भी आपको सुनती हूँ मुझे एक तरह से आई फील ओवरवेल्म्ड, क्योंकि आप भी बिल्कुल भी मुझे गुस्सा नहीं सुनाई देता. देयर इज नो रेज इन यू, आप में वो सिनिसिज्म नहीं है, वो एक 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 जो किसी भी इंसान में एक तरह का एक एक गुस्सा आ जाता है वो आप में नहीं है. ऐसा कैसे? मैम किससे लड़े, सभी तो अपने हैं, देश पूरे का पूरा अपना है, सभी एक हैं. और जो कुछ चंद लोगों ने इसको बिगाड़ने की कोशिश की है उनके खिलाफ मुकदमा लड़ाया जा रहा है. ठीक है, मैं सिर्फ इस बात को जो है पुलिस से दरख्वास्त की है कि जो कुछ तथ्य सामने आए हैं तो उन पर इन्वेस्टिगेशन की जाए कि इन साजिश के पीछे कौन लोग थे, उनको सामने बिहाइंड द पिक्चर जो है उनको लाइट में लेकर आया जाए और उनको भी गिरफ्तार किया तो जाए. आपके लिए अभी भी सभी अपने हैं, अभी भी सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा है, आप अभी भी ये मानते हैं? जी मैम, वो हमेशा रहेगा, वो हमेशा है. मैं कॉन्स्टिट्यूशन पर, अपने कॉन्स्टिट्यूशन पर पूरा भरोसा है और मुझे उम्मीद है इंसाफ की. मुझे सुप्रीम कोर्ट इज द हाईएस्ट अथॉरिटी है, तो वो मुझे पूरा उम्मीद है कि हर जगह से मुझे इंसाफ मिलेगा इंशाल्लाह.
You are an extraordinary man, Mohammad Sartaj. Final comments from Madhukar Jaitley in China NC, then Tavleen takes the last word. Madhukar Jaitley, I'll ask the BJP what the BJP is answerable for separately. Why don't you tell me how the police can pick up meat from outside a transformer and send it for testing, not even the meat inside the house? And why don't you tell me why it's relevant? Why is it relevant? A man was murdered. Barkha, I don't care what meat it was. Barkha, we have not lodged the charge sheet is not regarding the beef or the meat. The charge sheet is regarding the murder. But look at what is done secondly, to the environment to have an impartial inquiry. Family. Look at how the villagers have reacted. No, look at the fact we that want the justice to prevail. We want justice to prevail. And justice will prevail if the challenge, if the family has challenged the court order in a superior court. We want the further investigation to happen. And we want justice to prevail. We will support justice. And nobody will be impartially. Nobody will go partially. We will make sure that the guilty are punished. Shaina, I want you to react to Tavleen's point of a dire divide that is emerging along caste and religious lines in the name of this so-called cow vigilantism. When will the BJP put an end to this? Firstly, I just want to say to Mr. Jaitley that to, constantly say we want justice. For justice, you need to have proactiveness and political will, both of which are absolutely missing in the state of UP. And I want to say, Barkha, that I applaud people like Mr. Sartaj, who are so mature and have sent such a positive signal to society at large, despite losing the family members, to come out and to say that you believe in the process of law and believe that justice will be given. It only shows you that there are people who, despite in all odds, will not be divided. And for those who choose to be a part of any kind of fringe, irrespective of whether you want to call them cow vigilantes or whatever you'd like to term it as, the fact of the matter is a law and order situation must be contained by but a state government. MPs, and MPs if that and state MLAs, government so I'm not sure is incapable of doing so, Barkha, I don't think that you can have Barkha, any ray of hope. Statement. And yes. As far as our Prime Minister is concerned, he leads by example, and I can only tell you with utmost certainty that irrespective of who has conspired and who is behind this entire law and order situation, we will be able to arrive at truth and in totality say Sare Jahan Se Acha Hindustan Hamara. Tavleen, what can we learn from Mohammad Sartaj? Yeah, 1 minute, Madhukar Jaitley. I'm wrapping up. Tavleen, when you listen to Sartaj, there's an extraordinary sense of confidence in the Constitution. He still holds on to that. Well, that's very reassuring. But actually, the truth is that India is the best country for Muslims. Take a look at what's happening to them elsewhere. All right? So that's not the point. The point is that, in my view, in a civilized country, why does an FIR get registered over beef or whatever this thing is? And why does a court order an investigation? So, I'm risking contempt of court to say, I don't understand what's going on. There's only one crime that's been committed in Dadri, and that was murder. That's the only thing we should be talking about. I agree with you. And would the BJP and the Samajwadi Party be willing to accept that? Shaina, would you as a party be willing to say it doesn't matter what the meat was? I would want to say that in Uttar Pradesh, it's a known fact that whether you consume beef or not is not the issue. Cow slaughter is the only offence. What about manslaughter and murder? Party that has been playing vote bank politics for the longest time. Yes, manslaughter. I think you better ask them a question or two as to whether they were in a position to contain the situation, and if they were, why did they fail? And why did they fail public at large? That's the larger question. Let me leave it there. I think with the words of Mohammad Sartaj, who still believes in the Constitution, who still believes in justice, who still says, "Desh hamara hai, sabhi to apne hai, kisse lade." Sartaj sahab, agar aakhir mein apne deshvasiyon se kuch kehna chahein, apne gaonvasiyon se kuch kehna chahein, kyunki ab aap Delhi mein rehte hain, ab aap apne gaon mein bhi nahi rehte, aapki Air Force ne aapki help ki aur puri family, aapke bhai ka kya haal hai, unke sir par mob ne attack kiya tha, Danish ke sir pe, unka kya haal hai, kya kehna chahenge aap aakhir mein?
जी अभी उसका ऑपरेशन होना बाकी है, एक और ऑपरेशन होना है, उसके स्कल में बोन लगनी है आर्टिफिशियल, जो बोन क्रश्ड हो गई थी। मैम मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम सभी को मिलकर इस देश को मजबूत बनाना है, आगे बढ़ाना है, तरक्की की दिशा में, मतलब विकास की दिशा में इसको लेकर जाना है। तो इसको कौन लोग करेंगे, हम लोग करेंगे या कोई और लोग करेगा बाहर से आकर? तो लेकिन इस बात के साथ साथ ये भी सिक्योरिटी हो लोगों को, इंडिविजुअल्स को, फैमिली को, कम्युनिटी को, कि हाँ उनको प्रॉपर इंसाफ मिलेगा, एक इंसाफ की जो धारा है वो प्रॉपर इंसाफ मिलेगा उनको। और जिस बात का, जो कॉन्स्टिट्यूशन में है, जो सुप्रीम कोर्ट जिस बात का मतलब कि अधिकार रखती है, वो चीज पूरी तरीके से लागू हो। वेल आई थिंक सरताज, यू गिव आर पॉलिटिशियंस अ लैंग्वेज दैट दे शुड स्पीक फ्रॉम बट दे डोंट, एंड दैट इज द ट्रेजेडी। एंड समहाउ आई जस्ट फील दैट दिस काइंड ऑफ रीजनेबलनेस, दिस काइंड ऑफ रैशनलिज्म, दिस काइंड ऑफ मॉडेस्टी, दिस काइंड ऑफ principle, we are not going to, if only we heard our politicians using this kind of language, leaving it there and hoping, as you said, inshallah, for justice for your family, as a family who has suffered injustice and seen your father murdered. Mohammad Sartaj, Asad Hayat, Tavleen Singh, Shaina NC, and Madhukar Jetli, thank you so much for joining us on the Buck Stops here.